भारत के सभी जाने माने राज्य में से एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा, जहाँ पर टूरिस्ट का कोई कमी नहीं है, यानी घूमने का जगह का कोई कमी नहीं है। आज उन्हीं में से टॉप 6 बेस्ट प्लेस के बारे में बात करेंगे, प्लेसेस में से आपके लिए भी बेस्ट प्लेस साबित हो सकते। तो वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स में ना जाके तो चलिए शुरू करते हैं त्रिपुरा का टॉप 6 बेस्ट प्लेसेस के बारे में। 6 में हम लोगों को आता है नीर महल। नीर महल ऑफ त्रिपुरा के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी ने सन 1921 में रुद्रसागर प्लेस में बना के गया था नीर महल, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक प्लेस है और आप लोगों के बेस्ट प्लेस साबित हो सकता है। क्यों मैं बताता हूँ सब कुछ डिटेल्स में। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य 1921 में बना के गया था गर्मियाँ बिताने के लिए, जो कि आपके लिए भी बहुत ही एक अच्छा प्लेस हो सकता है। और रही बात आप लोग जाओगे तो सागर का अनुभूति मिलेगा इस प्लेस में। 5वें नंबर पर हम लोग को आता है डुमरू लेक, जो कि त्रिपुरा में इलेक्ट्रिसिटी भी देने का भी बहुत ही काम आता है, जो कि टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छा प्लेस है, जहाँ पर दूर दूर तक पानी और नदियाँ पहाड़ झील का आप लोग व्यू उठा सकते हो। साथ ही साथ तो आप लोग जो वीडियो क्लिप में देख रहे हैं बस चुल्लू भर पानी है। आप लोग उधर जाओगे तो उधर जाने के बाद आप लोग एक झरना की तरह व्यू मिलेगा। झरना नहीं, दरअसल उस जगह से त्रिपुरा का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, जहाँ पर आप लोग जाओगे तो सेल्फी का बहुत ही अच्छा जगह मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोग दूर दूर तक पहाड़ का भी आप अच्छा व्यू मिल जाएगा और साथ ही साथ एक सागर का भी व्यू मिल जाएगा। मेरा रिकमेंड है, मैं आप लोग बोल देता हूँ कि आप लोग अगर त्रिपुरा में आओगे तो डुमरू लेक में जरूर से जाना, क्योंकि 5वें नंबर पर है। और रही बात हमारा भी थोड़ा सा दिल फैलाने के लिए इस यूट्यूब चैनल में 1K फैमिली के लिए ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके जरूर से देना। 4th में हम लोग को आता है मोनतांग विलेज, जो कि त्रिपुरा के तेलियामुरा के साइड है मोनतांग विलेज। आप लोग उधर जाओगे तो सबसे ऊपर आप लोग जा पाओगे, सबसे ऊपर ही मोनतांग विलेज है। आप लोग उधर जाओगे तो दूर दूर तक पहाड़ और जंगल का व्यू आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग उधर जाओगे तो आप लोगों के तरह ही टूरिस्ट का कोई कमी नहीं मिलेगा, साथ आप लोग उधर जाओगे तो एक घर भी मिलेगा जो छोटा सा। उस घर में जाने के बाद आप लोग सेल्फी ले पाओगे और साथ ही साथ बाहर भी आप लोग सेल्फी ले पाओगे। और साथ ही साथ मैं और एक बात बताता, तो आप लोग उस जगह पर जाओगे तो वे सबसे त्रिपुरा का मोनतांग विलेज जो बोलते हैं उस जगह सबसे हाई लेवल पर, मतलब कि सबसे ऊँचाई पर ये जगह है। साथ ही साथ आप लोग अगर शाम के तरफ जाओगे तो शाम में आप लोगों को सनसेट का व्यू भी अच्छा मिलेगा और आप लोग बहुत ही अच्छा इन्जॉय कर पाओगे। ये त्रिपुरा का तेलियामुरा के साइड है, आप लोग उधर जरूर से जरूर जाना। 3rd नंबर पर हम लोग का आता है ऊनाकोटी त्रिपुरा, जहाँ पर 999,999 मूर्तियाँ हैं। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, 999,999। आप लोग उस जगह पे जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हिंदू देवता का मूर्तियाँ देख पाओगे। माना जाता है त्रिपुरा में जो ये मूर्तियाँ हैं ऊनाकोटी पर्वत में 999,999 जो मूर्तियाँ हैं ये बस त्रिपुरा में, जहाँ पर आप लोग जाओगे तो 999,999 मूर्तियाँ तो देखोगे। साथ ही साथ आप लोग दलदली इलाके में भी आप लोग जा पाओगे, दलदली इलाके में आप लोग देख पाओगे। साथ ही साथ बहुत ही पुराना मूर्ति आप लोग देख पाओगे, जो आप लोग कभी कल्पना भी नहीं किया। मैं रिकमेंड करता हूँ इस जगह पर आप लोग ज़रूर से जाना और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। मैं फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके फॉलो कर लेना, न्यू फेसबुक पेज खोला। और साथ ही साथ आपको भाई को थोड़ा यूट्यूब में सपोर्ट का जरूरत है, सपोर्ट आप लोग जरूर से जरूर दिखा देना। 2nd नंबर पर हम लोग को जिस जगह आता है उस जगह को बोलते हैं त्रिपुरा का जन्नत। मैं सच बता रहा हूँ, उस जगह बोलते हैं त्रिपुरा का जन्नत। आप लोग उस जगह पे फल तो आप लोग देख ही पाओगे, साथ ही साथ आप लोग जगह पे जाओगे तो आप लोग देखोगे कि बादल आपके नीचे, आप लोग बादल के ऊपर हो। हाँ, त्रिपुरा का हाइस्ट पर्वत के बारे में बात कर लो, जम्पुई हिल्स के बारे में बात करने वाला हूँ त्रिपुरा का, जो कि 2nd नंबर स्थान पर रखा हो, जो कि त्रिपुरा का जम्पुई हिल्स पर्वत। आप लोग जिस जगह पर जाओगे उस जगह पर आप लोग होटल भी मिलेगा, साथ ही साथ आप लोग पर्वत का व्यू भी ले सकते हो। आप लोग उस जगह पर रुक के सनसेट का व्यू भी बहुत ही अच्छा मिलता है, सनसेट का व्यू भी आप लोग उस जगह पर देख सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग उस जगह पर होटल है, होटल में भी आप लोग रुक सकते हो। तो 1 नंबर स्थान पर हम लोग को आता है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य का राजमहल, जो कि त्रिपुरा का अगरतला के साइड है, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी का राजमहल। तो इसका डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। अगर मैं वीडियो में किसी चीज़ का कमी कर दिया आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बोलना और हमें थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।